सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिए, उन्हें भी अगली परीक्षा देना पड़ा। एक धोबी ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया, कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है तो आज वो रावण बना दिए। मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहूंगा कि आप विरोध करें लेकिन सही विरोध करें, और आप सबका मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ, जितना भी आप उछल उछल के टीवी मीडिया में बोल रहे हैं सबका मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ, जब चुनाव आएगा ना तब आप लोगों को बताएंगे कि आप। आज सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के 13 करोड़ जनता को मैं धन्यवाद देता हूँ, और एनडीए के नेता को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे 16 महीना बिहार में जनता के लिए काम करने का मौका मिला है, और उसमें मैंने अपने प्रयास से बहुत ही बेहतर काम करने का मैंने कोशिश किया, और ये मैंने आप लोगों के सहयोग से हमने ये किया, इसके लिए विशेष तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने देखा कि किस तरीके से एक अति पिछड़ा का बेटा के साथ लोगों ने गलत किया है, लेकिन इसके लिए मैं जनता के बीच में मैं जाऊंगा, जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उसको मैं जनता के बीच में जाके अपनी बात को रखूंगा। जब तक मैं एनडीए का पार्ट था तब तक उनके लिए मैं बड़ा नेता था, लेकिन आज उनके साथ नहीं हूं, उन्होंने मेरे साथ जो गलत किया और उल्टा हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कल तक साथ था तो हम रामचंद्र जी को नैया पार लगाने वाला केवट महाराज थे, लेकिन आज उनके साथ नहीं है तो आज वो रावण बना दिए। तो मैं खास करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से मैं कहना चाहूँगा कि आप इस देश के और राज्य के बड़े पार्टी हैं, और आप जो भी बात बोले वो सोच समझ के बोले, क्योंकि जनता उस बात को सुनते हैं, कोई आप छोटे मोटे पार्टी से नहीं है, बड़े पार्टी से हैं, तो जो भी बात रखना है सही से रखिए, ईमानदारी से रखिए और सही बात रखिए। मतलब जी भी सहयोग समिति में जब तक सदस्य मंत्री और अध्यक्ष नहीं चाहेंगे तब तक एक भी व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता, ये हमारे 1935 के एक्ट में संविधान में दिया हुआ कि ये नहीं करना, अगर ऐसा करना भी है तो जब तक विधानसभा में जब तक वो कानून पे चर्चा नहीं होगा, उस एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता, तब तक ऐसा करने का किसी के पास अधिकार नहीं है। तो बेवजह से हमारे ऊपर आरोप लगाए कि आपने गैर मछुआरों को घुसाने का काम किया, मैं अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कहना चाहूंगा कि आप विरोध करें लेकिन सही विरोध करें, और कोई भी गलत विरोध करेंगे तो जब जनता के बीच में आप जाएंगे, आप सबका मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ, जितना भी आप उछल उछल के टीवी मीडिया में बोल रहे हैं सबका मैं वीडियो बना के रख रहा हूँ, जब चुनाव आएगा ना तब आप लोगों को बताएंगे। सीता माता के ऊपर भी आरोप लगा दिए, उन्हें भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा, एक धोबी ने उनके ऊपर भी आरोप लगाया, तो मेरे ऊपर भी आरोप लगेंगे, लेकिन मैं हमेशा अग्नि परीक्षा को मैं देते हुए मैं आगे बढ़ने का काम करूंगा। बीजेपी ने फर्जी लोगों को लाया था सर, तो निश्चित तौर पे फर्जी लोगों को लाया और अपने पार्टी के लोगों को लाया। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है लेकिन वहाँ अपना घर नहीं, अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में, लेकिन हाँ अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना ई होम्स पैनोरमा पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रिडिफाइंड।